हरियो म्यूजिक के हर एक नया वीडियो देखे खाती हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन जरूर दबाई ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा साथियों, हरियो म्यूजिक की एक धमाकेदार प्रस्तुति आप लोगों के बीच में जा रहा बा। रिकॉर्डिंग पे बैठे हुए हमारे बड़े भैया अभिमन्यु यादव, कैमरा पे बैठे हुए राजन भाई की देखरेख में गीत जात बा। हम गायक कलाकार श्री कुमार रवि ग्राम कुड़मा सठिया आजमगढ़ की धरती से एक बहुत खूब सुंदर प्रसंग आप लोगों के बीच में जा रहा बा। हमारे हारमोनियम पे संगत कर रहे राम सेवक, ढोल पे संगत कर रहे चंद्रजीत उर्फ छोटू बाबू, करताल पे संगत कर रहे हमारे सलदीन भैया भिरगू भाई, और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे आदर्श हमारे कवि जी विंध्याचल बौद्ध जी के देखरेख में ये गीत जा रही है। जरा गौर करेंगे। कहना है अरे गुरु जी का महिमा महान ये बाबू जी, गुरु जी का महिमा महान ये बाबू जी, भोला गुड़गान सारी दुनिया में, गुरु जी का क्या बात है। साथियों गौर करेंगे वो कौन सा गुरु थे और कौन शिष्य था। रहला गोपाल दास बैजू का चेला, रहला जोधपुर रहा लगला जाई के अकेला, बैजू बावरा के शिष्य जिसका नाम गोपाल दास था, संगीत सीख रहा था, उसको ये घमंड हो गया कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हो गया हूँ। गुरु से एक दिन चोरी करके और गुरु यहाँ से भाग निकला और भागते भागते पहुंचा जोधपुर राजा के पास और वहाँ पे रहने लगा। गौर करेंगे। अरे भूप से छिपा के पहचान ये बाबूजी, भूप से छिपा के पहचान ये बाबूजी, भोला गुड़गान सारी दुनिया में। राजा जोधपुर के दरबार में जाकर के बहुत बड़ा कलाकार हो गया। गौर करेंगे। राज दरबार वाला बनला गवैया, राज दरबार वाला
राज दरबार में बहुत बड़ा कलाकार हो गया, लेकिन इधर बाबूजी बावरा की हालात क्या है? बैजू बावरा का ये हमारी परस निगाहिया, बैजू बावरा का हो जता पूछाता पहुँचे जानल बाबूजी, हो जता पूछाता पहुँचे जानल बाबूजी, भोला गुड़ काम सारी दुनिया बैजू बावरा अपने शिष्य को खोज रहे हैं, चेला की याद में पागल हो गए हैं। आखिर में मेरे शिष्य को कौन चुरा ले गया? खोजते खोजते जोधपुर राजा के दरबार के पास पहुँचे हैं। पता चला है कि एक बड़ा सुंदर कलाकार इस दरबार में आया है। जब राजा को यहाँ संदेश भेजे, बैजू बावरा को यह आभास हुआ कि गोपाल के सिवा कोई नहीं होगा। भेजते संदेश कि जाओ कह दो कि तुम्हारा गुरुजी आए हुए सामने। जब गोपाल गुरु को देखता है, देखिए गुरु चेला के कितना नफरत हो गई है गुरु के प्रति। कैला का गुरु के गोपाल जब कैला इनकार हो, कहने लगा कि ये मेरे गुरुजी नहीं है। गोपाल को घमंड हो गया कि ये मेरे गुरुजी नहीं है। जब बैजू सुनते हैं आवाज कि मेरा चेला और मुझे कह रहा कि ये गुरुजी नहीं है, राजा को ये चक्कर में पड़ गए कि आखिर में ये कह रहे हैं कि मेरा शिष्य ये कह रहा है कि मेरा गुरु नहीं है। राजा दोनों में प्रतियोगिता करा देते हैं। कहना है भाई प्रतियोगी ताता चेला गई हार हो, भाई बंद भैला जेला दर म्यान ये बाबूजी, बंद भैला जेला दर म्यान ये बाबूजी, भोला गुड़ काम सारी दुनिया में। में मुकाबला हो गया। आखिर बैजू अपनी राग छेड़ते हैं, गोपाल अपनी राग छेड़ता है। आखिर में चेला तो चेला न, तनी भर में परास्त हो गया। बैजू बावरा की जय जयकार होने लगी, लेकिन राजा गुस्सा में हो गए और गोपाल को सजा सुनाते हैं। क्या सजा सुनाते हैं? सुनावला सजाल भूप हाथिया के लोची, सुनावला राजा यही सजाए सुनाते हैं कि इसको हाथी ऐसे घमंडी शिष्य को धरती पर रहने का स्थान नहीं है। राज दरबार में एक बहुत खुखार हाथी थी, कहती है कि इसी को छोड़ा जाएगा और गोपाल को सरेआम दरबार में चीड़ेगी। जब बैजू सुनते हैं कि मेरा शिष्य और मेरे सामने हाथी द्वारा चीड़ा जाएगा, मारा जाएगा, राजा से हाथ जोड़ कर के बात करते हैं। हाथ जोड़ राजा से बैजू कहे सोची, हाथ जोड़ राजा से बैजू कहे सोची।
के दूसरे दिन हाथी को छोड़ा गया। हाथी चलती है गोपाल के तरफ और गुरुजी अपनी राग छेड़ना शुरू कर देते हैं। चलल हाथी जब कई के चिघार हो, चलल हाथी जब कई के चिघार हो, चलल हाथी जब कई के चिघार हो। गावे लग गणेश राग बैजू ललकार हो, गावे लग हाथी पैर के निशान ये बाबूजी, तुम्हें हाथी पैर के निशान ये बाबूजी, होला गुणगान सारी दुनिया तरफ हाथी चिघाड़ते हुए चली है गोपाल की तरफ, दूसरे तरफ बैजू बांवरा अपनी राग छेड़ देते हैं। इस राग का नाम गणेश राग है और जब गाना शुरू कर देते हैं तो हाथी गोपाल की तरफ नहीं बैजू के कदमों को आकर सुनना शुरू कर देती है। राजा देखकर आवाज, इतनी दम इस बुढ़े की आवाज में, कहते हैं कि क्या कहते हैं, बचल गोपाल बोले हरस नरेश हो, बचल मंगिला मंगनवा हमसे बैजू विशेष हो, मंगिला राजा खुश होकर कहते हैं कि अरे महाराज गुरुदेव आज कुछ मुझसे मांग लीजिए। उसी समय बैजू कहते हैं कि मुझे अगर देना चाहते हैं, मुझे धन दौलत महल अटारी नहीं चाहिए, चाहिए क्या देता हम चेला हमके तान ये बाबूजी, देता हम चेला हमके तान ये बाबूजी, बोला गुणगान सारी दुनिया। अगर देना चाहते हैं महाराज तो मेरे शिष्य को दीजिए, मैं वापिस लेकर चला जाता हूँ। आखिर में जोधपुर के राजा ने गोपाल को वापिस किए और बैजू बांवरा लेकर अपने साथ फिर चले जाते हैं। मेरे गाने की अंतिम लाइन है, गुरुवर गणेश राम लाल गुणकारी, कभी बाल जी तरीके कितिया सवारी, कभी बाल अरे पलकुशी कुमार गुड़ावा नये बाबू जी।